ये अपना जिंदल स्टील एंड पावर एलटीडी है, जो जिंदल माइंस है, नवीन जिंदल का अपना ओडिशा में जिंदल माइंस बहुत सारा है। तो साथियों, आज का न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पहले आप लोग को सबको नमस्कार, आप सभी मेरे यूट्यूब का फैमिली सब साथियों को। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में आप सभी को बने रहने से पहले बोल देना चाहता हूँ कि मेरा YouTube चैनल में आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल वाला नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए, जिससे अगले चल के हम कोई भी वीडियो देंगे तो आपके पास पहुँच पाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो शुरुआत करने से पहले आप लोग को बोल देना चाहता हूँ, मेरे साथ में है मिथिलेश भैया। मिथिलेश भैया, आप कहाँ का रहने वाले हैं? औरंगाबाद बिहार। औरंगाबाद बिहार का मिथिलेश भैया रहे हैं और अपना कंपनी में मिथिलेश भैया अभी हाल ही फिलहाल में गाड़ी पकड़े हैं। तो मिथिलेश भैया को और अपना 14 जगह गाड़ी को हम लोग आज लेके जा रहे हैं नया जगह चलने के लिए। आप लोग अगले वाला वीडियो में देखे होंगे कि किस तरीके से हम लोग नया जगह में एंट्री करवा रहे हैं अपना गाड़ी को, और उस जगह में कुछ नया इनकम आएगा, कुछ ज़्यादा इनकम होगा, यही सोच के हम लोग लेके जा रहे हैं। तो चलिए, आज का वीडियो में बने रहिए, आप लोग को आज हम लोग का गाड़ी वहाँ पर किस तरीके से एंट्री होता है और क्या क्या फैसिलिटी है, कितना दिन में पेमेंट मिलेगा, सारी चीज़ को आप लोग को बताएंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, अभी हम लोग जा रहे हैं, आज शाम तक अपना गाड़ी वहाँ से लोडिंग चालू होगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए। तो साथियों, अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं चूनाघाटी, और चलिए आपको चूनाघाटी क्रॉस करके दिखाते हैं। रोजाना चूनाघाटी में हम लोग जब जाते हैं रात में, बहुत सारा गाड़ी एक्सीडेंट होकर रहता था। कहाँ मिथिलेश भाई, एक दिन पार हुआ कि नहीं हुआ, बहुत सारा गाड़ी यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया रहता है। घाटी का मुहाना दिखाइए। चूनाघाटी का फ्लाईओवर ब्रिज बहुत जोर शोर से काम चल रहा है। ये ब्रिज जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे कुछ ना कुछ हमेशा रोजाना होते रहता है, और जब कंप्लीट हो गया तो और टेंशन का कोई बात नहीं है। फिर भी पहले जैसा जाम लग रहा था, अभी और वैसे कुछ जामे नहीं लगता है। और यहाँ पे पहले वाला वीडियो में भी हम यहाँ जब क्रॉस कर रहे थे तो उस दिन दिखाए थे, 2-3 किलोमीटर हम चूनाघाटी जैसे क्रॉस कर रहे थे, सामने में कितना सारा गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था। और कल का बात बता रहे हैं आपको कि एक फोर व्हीलर गाड़ी जा रहा था और उसके पीछे में और एक गाड़ी आके ठोक दिया था, डायरेक्ट ब्रेक नहीं पकड़ा था। तो उस चीज़ को आपको दिखाने का कोशिश करेंगे, उस गाड़ी को उठा दिए हैं, लेकिन आपको वीडियो के माध्यम में समझाने का कोशिश करेंगे। देखिए, इधर देख रहे हैं एक स्कॉर्पियो, देख रहे हैं, तो ये वाला स्कॉर्पियो आ रहा था इसे ही, और पीछे से एक गाड़ी ब्रेक नहीं पकड़ा तो स्कॉर्पियो को आके डायरेक्ट ठोक दिया, तो स्कॉर्पियो पूरा पलटी हो गया है। अभी स्कॉर्पियो को उठा के खड़ा कर दिया गया है, नहीं तो रास्ता जाम हो जाता इसलिए। और यहाँ देख रहे हैं किस तरीके से कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, जब ये काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा सारे ड्राइवर भाई लोग के लिए पूरा अच्छा हो जाएगा इस रोड में चलने के लिए। और साथियों, आप लोग को दिखा रहे हैं, देखिए ये पहले से एक डाला का डालाबड़ी का डाला गिरा हुआ था, अभी यहाँ पे और एक गाड़ी आके डाला को ही डायरेक्ट ठोक दिया है। गाड़ी खड़ा हुआ है बोल के दिख नहीं रहा है, नहीं तो आपको बढ़िया से दिखा देते हैं। देखिए, ये वाला गाड़ी आके डायरेक्ट घुस गया है। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं चूनाघाटी फ्लाईओवर ब्रिज, आप देख रहे हैं इस तरीके से ये ब्रिज है, और ये ब्रिज अब चालू हो गया है। चालू होने के बाद यहाँ पे रोजाना एक्सीडेंट हो रहा है कोई ना कोई गाड़ी, और ज़्यादातर गाड़ी एक्सीडेंट हो रहा है पीछे में ही जाके ठोक के, कभी ब्रेक नहीं पकड़ रहा है तो कि हड़बड़ी में है। और जितना भी अभी फिलहाल एक्सीडेंट हो रहा है, सब गाड़ी पीछे में ही जाके एक्सीडेंट हो रहा है। अभी साथियों, हम लोग क्रॉस कर रहे हैं चूनाघाटी, ये देख रहे हैं, ये है चूनाघाटी मंदिर। पहले यहाँ पे बड़ा मंदिर था, लेकिन कंस्ट्रक्शन रोड काम करने वाले ने जब चूनाघाटी को तोड़ दिया, वहाँ ऊपर में छोटा सा बना दिए हैं।
अभी भैया तुरंत एक्टिव हो जाएगा ना? हैं डीओ अभी निकल जाएगा। अभी क्या चल रहा है जी रेट डीजल का? 96.28। अभी हम पहुंच चुके हैं जिंदल माइंस। यहां से अपना गाड़ी एंट्री होगा, उसके बाद चलेगा। तो चलिए एंट्री करवाते हैं, फिर देखते हैं कई बजे तक अपना गाड़ी लोड होके निकलता है यहां से। राजेश तो साथियों आप लोगों को बता देना चाहते हैं अपना गाड़ी एंट्री हो गया है जिंदल माइंस में। तो यहाँ पे सारे पेपर काम हम लोग कर लिए हैं, अभी गाड़ी लोडिंग के लिए जा रहा है। लोडिंग करके आने के बाद खाली करने के लिए जाएगा, तो आप लोग को बता नहीं पाएंगे कि कहाँ पे खाली होता है। कभी मौका मिलता है तो जाके भी आप लोग को साइडिंग का दिखा देंगे किस तरीके से खाली होता है। तो आज का काम बहुत अच्छा गया मेरा, और हम आज जिस काम के लिए आए थे हम बहुत खुश हैं। अपना गाड़ी आज नया जगह में चलने के लिए आ रहा है, कुछ नया इनकम आएगा। और दिखा देना चाहते हैं आप लोग को, ये अपना जिंदल स्टील एंड पावर LTD है जो जिंदल माइंस है, नवीन जिंदल का। अपना ओडिशा में जिंदल माइंस बहुत सारा है, ये एक है जिंदल माइंस। यहाँ से आयरन निकलता है, जिंदल का जो स्टील जहाँ बनता है यहाँ से ही स्टील जाता है। अभी लोडिंग जैसे चल रहा है देख रहे हैं, बहुत सारा टिपर गाड़ी यहाँ पे लोड करने के लिए अंदर घुसने के लिए तैयार हैं सारे ड्राइवर भाई लोग। और देखिएगा देखिए किस तरीके से घुस रहे हैं अंदर में। तो साथियों आप लोग को आज दिखाएगी किस तरीके से अपना गाड़ी एंट्री हुआ और अपना गाड़ी लोड होके निकल गया। पहली बार हुआ इसलिए थोड़ा लेट हुआ, अचानक नया नया जगह में एंट्री किए इसलिए थोड़ा लोड टाइम से नहीं हो पाया इसलिए। तो आज का वीडियो में यही है दोस्तों, आप लोग को अगर अच्छा लगा है मेरा आज का ब्लॉग वीडियो तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, और शाम हो जाने वाला है, हमको जाना है रूम भी। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं।